हेलो स्टूडेंट्स, संकल्पित रहे आप, समर्पित रहेगी सीएलसी। इस मुहिम के बाद एक विशिष्ट श्रृंखला गुरु नीति आपके बीच हम लेकर आए हैं। मैं एमएम बल्डोदिया और मेरे साथ हैं मेरे इंटेलेक्चुअल और एनर्जेटिक साथी सर्वेश यादव सर। हम आज आपके साथ शुरू करेंगे सेल बायोलॉजी। तो बेटा इसमें देखो, अपन गुरु नीति सीएलसी की जो गुरु नीति है, सॉरी नॉट सीएलसी, ये गुरु नीति आपके लिए, हम आपको जो प्रोवाइड करवा रहे हैं गुरु नीति, ये स्पेशल आपके लिए है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रोवाइड करवाएं। तो हम जो शुरू करने वाले हैं आज, वो अपना सेल बायोलॉजी का चैप्टर होगा। ओके, तो इसमें अपन कोशिश करेंगे कि मोस्टली जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपन कवर करेंगे, जितने भी स्टेटमेंट हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन हैं, जो पेटेंट की पॉइंट्स होते हैं जिनसे जनरली एक्सपर्ट जो है क्वेश्चन डिजाइन करता है, तो उन सब पे अपन फोकस करेंगे। तो आज के टॉपिक में अपन ने लिए हैं सेल थ्योरी, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। हाँ सर, तो अपन बात आज करेंगे, जैसा सर ने बताया, सेल बायोलॉजी का जो बेसिक कंसेप्ट, लॉजिक्स, इंफॉर्मेशन, डेटा और स्पेसिफिकली वो सब बातें जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। देखिए टोटल 180 सीरीज हैं, 180 में से बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो 45 है, तो उसी में से हम आज सेल बायोलॉजी आपके साथ शुरू कर रहे हैं। तो सर पहला क्वेश्चन डिस्कस करें, शुरू किया जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपसे पूछे हैं, असत्य कथन को चुनिए। इसमें लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड मल्टीप्लाई मच फास्टर देन द यूकैरियोटिक सेल। बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है। स्मॉलर साइज की जहां तक बात करें, माइकोप्लाज्मा हमें दिया है, एनसीआरटी में लिखा भी है, पीपीएलओ के केस में 0.1 μm से लेकर आप कहते हैं 0.3 μm तक इसका साइज है एग्जैक्टली। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल आपको दे रखा है जिसका 3-5 μm साइज दे रखा है। तो डेफिनेटली जो बैक्टीरियल सेल और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज मच स्मॉलर एंड कैन मल्टीप्लाई फास्टर। जैसे जनरेशन टाइम सर हम डिस्कस करते हैं, तो ओबीएस है 18-20 मिनट्स बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम आप कहते हैं, तो मल्टीप्लीकेट वो फास्ट होता है। इंस्टेंट सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होता है। फिर यहां लिखा है सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से सर सेल थ्योरी में मेंशन करा है जी, बिल्कुल, ये मॉडर्न सेल थ्योरी जो है उसके बारे में बात कर रहा है। और वी नो मॉडर्न सेल थ्योरी कॉन्सेप्ट proposed by the Rudolf Virchow, and Rudolf Virchow statement omnis cellula e cellula, ये पूछा जाता है, ये सर इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था, cellula e cellula 20 के एग्जाम में, 19 के एग्जाम में ये पूछा गया, omnis cellula e cellula, cells जो हैं वो pre-existing cells से ही जनरेट होती हैं। स्लाइडर स्वान ने जो सेल थ्योरी प्रपोज की थी उसमें ये लैकुना था, एक बता नहीं पाए थे, रुडोल्फ विर्चो ने एग्जैक्टली मॉडिफाई करके ये क्लियर किया। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally different. देखिए ये markable point है यहाँ। Prokaryotic और eukaryotic organization fundamentally similar होता है। Both are the living entity, so fundamental existence उनकी similar रहेगी। हाँ, उनका composition जो है और intracellular उनकी जो functioning है, compartments हैं, वो सब variable हो सकते हैं। तो definitely हमारे पास ये एक wrong statement हमें मिल जाता है। इसके बाद अगर हम देखें, living organisms are composed of cells and products of cells. तो ये भी सर सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग है, उन्होंने क्लियरली बोला था ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस केस में अपने पास आंसर आ जाता है थर्ड जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर हमें सेलेक्ट करना है और इसमें देखिए इंफॉर्मेटिव है, रुडोल्फ विर्चो दे रखा है। अभी सर जैसा कह रहे थे ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, परफेक्ट है। रॉबर्ट ब्राउन यहां दिया है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। फिर इसके बाद में ल्यूवेनहॉक आपको दिया है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया, फर्स्ट ग्रैब ए लिव सेल, लिविंग सेल इन्होंने डिस्क्राइब की थी। आपको स्टूडेंट्स पता होगा पॉन्ड वाटर जो एक सैंपल है, वाटर सैंपल, ड्रॉप ऑफ वाटर में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया इन्होंने डिस्कवर किया। और एग्जैक्टली इनका अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग एक इशू है, ये कोई बेसिक साइंटिस्ट नहीं थे, कोइंसिडेंटली इन्होंने जो है वो लिविंग सेल को डिटेक्ट किया था। और उसके बाद में आपको दिया स्वान, जिसमें मॉडिफाइड एंड गेव द स्लाइडन फाइनल सेप टू द सेल थ्योरी। तो देखिए अभी जैसा हम कह रहे थे, रुडोल्फ विर्चो ने एग्जैक्टली मॉडिफाई किया। तो सर बिल्कुल आपके पास बिल्कुल देखो, एक जो साइंटिस्ट के जो नेम उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया, और बेटा जो एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनसे जनरली क्वेश्चन वो डिजाइन कर देता है। और ये जैसा कि सर ने बताया, ये मैचिंग करेक्ट है, ये मैचिंग करेक्ट है, ये मैचिंग करेक्ट है, लेकिन जो स्वान है उसने सेल थ्योरी प्रपोज की थी किसके साथ, स्लेडन के साथ, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं किया था। मॉडिफाई किसने किया था, रुडोल्फ वर्चो ने। उस रेस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट, ये जो मैचिंग है वो क्या हो जाएगी, मिसमैच हो गई।
हाँ, और बेसिक रेफरेंसेस पूछे जाते हैं सर बार बार, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सेल थ्योरी प्रपोज किसने की थी, उसके बेसिक जो दो पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे वो पूछे जाते हैं, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेल, और फाइनली जो मॉडिफाई किया रुडोल्फ फिरचो ने वो पूछा जाता है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं पूछा जाता, हालांकि सेल थ्योरी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम डिस्कस करते हैं, सेल थ्योरी से आता रहता है, लास्ट ईयर भी आया था, आपकी बात भी आता है और आता ही रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेडन एंड सॉन प्रपोज सेल थ्योरी, ही डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। ठीक है, वो एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो देखिए एग्जैक्टली वही उसी तरीके का क्वेश्चन है, उसी बात को दूसरे तरीके से डिस्कस किया जा रहा है। आप जानते हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक लिविंग सेल सबसे पहले ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कॉक सेल सबसे पहले डिटेक्ट किया था, मतलब फर्स्ट सेल डिटेक्शन इन्हीं का था, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस के रेफरेंस में आप कह सकते हैं, रुडोल्फ विर्चो जैसा ओमने सेलुलर सेलुलर सर अभी बोल रहे थे बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं ये जो नई सेल्स बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, इन्होंने डिफाइन किया था। इंपॉर्टेंट भी है रुडोल्फ विर्चो, जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी वो किसने प्रपोज की थी बेटा, रुडोल्फ विर्चो। और ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको भी याद रखना। हाँ, पूछ लिया जाता है कई बार, ऑप्शन में मेंशन कर देता है या इस तरीके से पूछा जाता है, या इसका एक बेनिफिट है कि सर ईयर और सीक्वेंस अगर पता हो ना तो टाइमलाइन से उसमें क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन फिर भी टाइमलाइन आपको परफेक्ट पता रहती है। क्लियर, तो नेक्स्ट करें। अगला देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डिटेक्ट करना है। Unicellular organisms are capable of independent existence. Definitely, cellular existence है, इसका मतलब independent existence होगा ही, कोई हो चाहे वो unicellular हो चाहे वो। NCERT में ये mention भी किया है। बिल्कुल, उसमें जैसे organism को बेटा अगर अपन define करते हैं, NCERT में clearly बताया like unicellular और multicellular, तो उसकी दो जो properties हैं वो main हैं, एक तो इसमें mention किया है capable of independent existence and capable to perform all essential functions, जितने भी essential functions वो परफॉर्म करने में वो कैपेबल होता है, तो इसको अपन ऑर्गेनिज्म में डिफाइन, जैसे ओवरऑल सर उस एसेंशियल फंक्शनिंग को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म फंडामेंटल एग्जिस्टेंस है, मेटाबॉलिज्म है तो आप और हम हैं, मेटाबॉलिज्म के बिना कुछ भी नहीं है, किसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। तो ये दो बातें जो सर अभी बोल रहे थे सर्वे सर, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड ऑल एसेंशियल फंक्शनिंग, ठीक है, ये डेफिनेटली सेल रिप्रेजेंट करती है। आगे मैं पढ़ रहा हूं, एनी स्ट्रक्चर लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस। तो सर ये वही बात होगी, उसी तरीके से कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी, डायरेक्ट एनसीईआरटी का, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जैसे सेल के बिना, हिंदी में लिखा है सेल के बिना जो है स्वतंत्र जीवन यापन संभव नहीं है, क्योंकि सेल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी तभी बेटा वो सारे फंक्शन करने में कैपेबल होगी, लाइक डिवीजन, उसके और भी जो फंक्शन है। और इसी के अकॉर्डिंग अपन जो बात करते हैं, सिंस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जो सेल होती है वो क्रियात्मक और जो संरचनात्मक इकाई होती है, रीजन उसका ये है बेटा। इवन सर यही जो स्टेटमेंट है ना, इसका रेफरेंस दे रखा है लिविंग वर्ड जो दिया फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी का है, वहां कह रहा है कि लिविंग एग्जिस्टेंस के लिए एटलीस्ट ए सेल शुड बी देयर, मतलब अगर आप लिविंग एग्जिस्टेंस देखना चाहते हैं तो कम से कम एक सेल होनी ही चाहिए, और उसी बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद आप देखिए मैथिस स्लेडन, ए जर्मन जियोलॉजिस्ट, देखिए जो स्लेडन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, क्लियर, तो यही आपको ये जो रॉन्ग रेफरेंस है वो पकड़ में आ गया है, और उसके बाद लिखा है कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स, तो ये स्टेटमेंट तो सही लिखा है लेकिन जर्मन बॉटनिस्ट थे स्लेडन, और जो स्वान थे वो आपको पता है ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। उसके बाद मेंशन किया है स्लेडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, करेक्ट स्टेटमेंट। और बेटा ये जो की जो पॉइंट्स हैं उन पे भी आपको फोकस करना है, वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगा, थोड़ा स्पिन कर देगा, तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट पे जाना आपको, जैसे जर्मन जूलॉजिस्ट हो गया, अदरवाइज आपको पता है स्लेडन जर्मन बोटनिस्ट है और जो स्वान है वो जर्मन जूलॉजिस्ट है, तो यहाँ पर भी थोड़ा स्पिन कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से आपको रीड करना है। हाँ, इन्फॉर्मेटिव होता है तो इसमें थोड़ा बहुत वो कुछ चेंज करता है, कुछ वर्ड्स को चेंज करता है, फ्रेमिंग में कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो आंसर बदल जैसा कि सर देखा होगा पेपर भी उसी लेवल पर आने लग गया, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड लेवल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड अपन डिस्कस करें तो उसका कोई बहुत ज्यादा होता नहीं, हालांकि बिल्कुल थीम के साथ हम जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर रुडोल्फ विर्चो। तो जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है जिन्होंने ओमनिस सेलुला सेलुला प्रपोज किया, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहां दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट लिखा, ही गेव द स्टेटमेंट ओमनिस सेलुला सेलुला, सही हो गया सर। ही मॉडिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड स्वान टू गिव सेल थ्योरी ए फाइनल शेप, ये भी ठीक बात है, क्योंकि जो सेल थ्योरी जो लैग कर रही थी कि पुरानी सेल्स जो है वो एग्जिस्टिंग में जब है तो नई सेल्स बनती कैसे, वो जो सेल थ्योरी लैग कर रही थी वो रुडोल्फ विर्चो ने इंक्लूड कर दिया था, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। उसके बाद लिखा है अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ये वही बात है जो मैं भी बोल रहा था, और एक तरीके से
इसी का फॉर्म है ये। फिर इसके बाद देखिए अगला सर, ही प्रपोज द सेल थ्योरी बट दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, अभी एक्सप्लेन किया वही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। इसने तो एक्सप्लेन किया था कि जो न्यू सेल्स है उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, ओमनी सेलुला स्टेटमेंट हो। तो ये हमारे पास जो आ गया ये डिड नॉट स्टेटमेंट में जो है वो इसको इनकरेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से आपके पास जो इनकरेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, फोर्थ वन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज। ये बेटा देखो ये आपका जो सेल बायोलॉजी से जो इंट्रोडक्शन दे रखा है वहां से क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो साइंटिस्ट है जी एन रामाचंद्रन, उसने प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी उसको एक्सप्लेन किया था जी एन रामाचंद्रन ने। और ये जो ये देखो ट्रिपल हेलिकल, ये हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपको पता है कोलेजन जो उसमें ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से तीन जो हेलिकल फॉर्म होती है दैट इज ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, दैट इज प्रपोज्ड बाय स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय जी एन रामाचंद्रन। इंफॉर्मेटिव है, थोड़ा इसको छोड़ मत देना क्योंकि ये आपके इंट्रोडक्शन में दिया और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उनमें इंट्रोडक्शन होते हैं, कई बार कंक्लूजन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक हर एक स्टेटमेंट कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए और वो पॉइंट्स कुछ थ्योरी में नहीं होते। हाँ नहीं होते, मतलब आजकल अभी तो एनसीईआरटी में नया जोड़ भी दिया गया है, पहले ऐसा था कि चैप्टर के जो कुछ कंक्लूजन थे या कुछ रेफरेंसेस थे वो सबसे लास्ट में एनसीईआरटी में होते थे। बिल्कुल ठीक है, आजकल चैप्टर के साथ तो समरी से पहले लिखे जाते हैं, तो आप एनसीईआरटी को कीनली ऑब्जर्व करें। गुड। नेक्स्ट है सर, Arrange the following structure according their size. Mycoplasma आपको दिया है, वायरस दिया है, बैक्टीरिया दिया है और आरबीसी दिया है। देखिए एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है आरबीसी का स्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं 7 μm in diameter. उसके अलावा उधर माइकोप्लाज्मा जो आपको दे रखा है सर 0.12, 0.3 है, ठीक है, वायरस है नैनोमीटर में होता है बेटा इसकी साइज और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया 3-5 माइक्रोमीटर। तो अब देखो सबका साइज आपके सामने लिखा है तो आप आराम से इसको अरेंज कर सकते हैं। आपको करना है अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब इसमें देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग कोई रेफरेंस आपको नहीं दिया तो आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हम आरबीसी पहले लिखा है, दोनों में बैक्टीरिया लिखा है तो ऑब्वियस है माइकोप्लाज्मा होता या तो उससे हम शुरू करते या वायरस से शुरू कर सकते थे या फिर हम आरबीसी से शुरू कर सकते क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास ये है और सबसे छोटा वायरस है। तो अब इसमें से देखिए आरबीसी वाले ऑप्शन से हमें शुरू करना पड़ेगा। तो सर आई थिंक ये आरबीसी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड वायरसेस। और इसमें वो जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दे देते हैं तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये वाले मार्क नहीं मिलेंगे अगर उसने असेंडिंग या डिसेंडिंग बोल दिया तो थोड़ा सा वहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा। सिंपल एरो लगा देता है, डॉट डैश लिख देता है, इस तरीके से वो करता है। ठीक है, तो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव रेफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू। ठीक है सर, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा भी था, पहले एनसीईआरटी में था, कुछ मॉडिफाई किया गया। जैसे पहले लिखा था लाइकेन को और इनको वायरसेज को बिरोड्स और प्रियोन को जहां एक्सप्लेन किया था तो एक स्टेटमेंट लिखा था, लाइकेन को सेपरेट कर दिया गया। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता था कि लाइकेन भी सेलुलर फॉर्म थे। तो सबसे पहली बात हम ये कह रहे हैं कि सेल थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो सेलुलर फॉर्म होंगे डेफिनेटली उनके एप्लीकेबल है। तो हमारा फर्स्ट फोकस जो होना चाहिए वो स्टब पे होना चाहिए, सेलुलर असेलुलर फॉर्म्स। जो असेलुलर फॉर्म्स है जिनका अपना सेलुलर एग्जिस्टेंस नहीं है उन पर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए फंजाई आपको पता है यूकेरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मल्टी सेलुलर। लाइकेन्स जो है, ये लाइकेन मैंने इसीलिए मेंशन किया, लाइकेन आप जानते हैं फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट का कंपोजिशन है, इसमें एल्गी और फंजाई कंपोज्ड है, सेलुलर है। हाँ, तो पहले वो जो स्टेटमेंट लिखा था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कंफ्यूजन रहता था, लाइकेन्स डेफिनेटली सेलुलर फॉर्म है और यूकेरियोटिक कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है। उसके बाद आरबीसी है, सेलुलर फॉर्म है आरबीसी भी। हाँ, और जो वायरस है बेटा वो नॉन सेलुलर है, एसेलुलर फॉर्म है। तो एक्चुअल में जो सेल थ्योरी का ट्रू जो एक्सेप्शन है वो बेटा खुद है आपका वायरस, क्योंकि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अदरवाइज जो सेल थ्योरी है उसमें काफी सारे स्टेटमेंट बाद में ऐड किए गए थे लेकिन अपनी एनसीईआरटी में वो स्टेटमेंट नहीं है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए एक सेल में, न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन है या न्यूक्लियस अब्सेंट भी है तो उसको एक्सेप्शन में ले लेते हैं, लेकिन वो आपको आंसर के अकॉर्डिंग चॉइस करना पड़ेगा ऑप्शन, लेकिन उतना डिटेल में आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो जाएगा नहीं। तो इट इज द ट्रू एक्सेप्शन ऑफ द सेल ड्यू टू द लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सर इन्हीं के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं, जैसे होता क्या है आपको दो स्टेटमेंट दे दी जाए, एक लिखे सेल थ्योरी के एक्सेप्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक लिखे दे द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक लिखे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोनों में बड़ा फर्क है क्योंकि देखो वायरस जो है जैसा न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, अब ये सेल के बाहर तो पार्टिकल है लेकिन होस्ट सेल में एंटर करते ही मेटाबॉलिज्म शो करता है, तो जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करेगा हम लिविंग एग्जिस्टेंस काउंट करते हैं,
इवन वायरस है, विरोइड्स है, प्रियोन्स है, जो जो इन्फेक्टिस एजेंट है। तो वहां सेल थ्योरी का परफेक्ट स्टेटमेंट अगर आपको सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलना हो तो सेल के केस में हम ये कहेंगे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये बेसिक भी क्वाइट ऑब्वियस है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होगा। तो ये कुछ बारीकियां हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि सर कई बार जो बायोलॉजी तो आप जानते हो लैंग्वेज का ही गेम है सारा, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा क्वेश्चन को समझना जरूरी होगा। क्वेश्चन अगर आपका क्लियर हो गया, लैंग्वेज अगर आपकी क्लियर हो गई तो आप डायरेक्टली ऑप्शन पे इजीली जा सकते हो। क्लियर? सो वायरस आपके पास आंसर है। नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल एनवेलप व्हिच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन द सेल एडहेसिवनेस। तो देखिए एडहेसिव प्रॉपर्टी को यहां आपसे डिस्कस किया जा रहा है, और यहां सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकोकैलिक्स और पिलई, जो सेक्सुअल पिलई प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया पे, उनको ऑप्शन में आपको दे रखा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट कवरिंग कह रहा है एनवेलप की। तो देखो बैक्टीरियल एनवेलप अगर हम देखें, आपको पता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंशिएट किए गए क्रिश्चियन ग्राम का जो प्रोटोकॉल है, स्टेनिंग प्रोटोकॉल उसके अकॉर्डिंग। तो एक अगर लेयर में देखूं, सबसे पहले तो ये कह सकता हूं ये है मेरे पास मीजोसोम। मीजोसोम वाला स्ट्रक्चर है तो ओबीएस मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ठीक बाद बैक्टीरिया में एक ये सेल वॉल का एग्जिस्टेंस होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको मैं लिख सकता हूं सेल वॉल। अब इसके बाद देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो इस पर थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं सर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा लेयर जो लिपोपॉलीसेकेराइड का है, दैट एक्स्ट्रा लेयर वो मेम्ब्रेन की लेयर, वो ग्राम नेगेटिव में, वो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होगी। ये आउटर मेम्ब्रेन लिखी जाती है, और इसके अलावा ये जो मैंने लिखी है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एग्जैक्टली आप जानते हैं सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को एनक्लोजर देती है। उसके बाद आपको प्रेजेंस मिलेगी ग्लाइकोकैलिक्स की। क्लियर? ये आउटर मोस्ट है, दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के कंपोज्ड फॉर्म जैसे हम पढ़ते हैं सर की, अगर वो रिजिड फॉर्म है तो कैप्सूल रिप्रेजेंट होगा, अगर जो है वो शीट है तो स्लाइम लेयर में रिप्रेजेंट। जनरली ये पॉलीसेकेराइड की बनी है। बिल्कुल। तो ये देखिए ये जो रेफरेंस है ये आपको मिलेगा कौन से बैक्टीरिया के लिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। अब पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए अगर ड्रॉ करें हम, तो सर पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए मेरे को बेटा ये होगा आपका सेल मेम्ब्रेन, ये मीजोसोम हो जाएंगे, सीएम, देन सेल वॉल, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन, यहां पर होगा आपका पेप्टिडो, और उसके बाहर फिर होगा आपका ग्लाइकोकैलिक्स, यहां पर एलपीएस नहीं होगी, ये डिफरेंस हो जाता है, दैट इज ग्लाइको। हाँ, जो सर बता रहे हैं, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने की बात यही है, एलपीएस लिपोपॉलीसेकेराइड्स। डिटेक्शन का पॉइंट यही है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो स्टेन रखता है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो स्टेन जो है वो नहीं होल्ड करता। तो बेसिक रीजन जो है वो एलपीएस है। यहाँ से सर इसी से दो तीन बच्चों की और इन्फॉर्मेशन क्लियर हो सकती है। जैसे पूछ लिया जाता है कि सेल वॉल की थिकनेस किसमें ज्यादा है, अब ऑब्वियस है जिसमें एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होगी। देखो डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, यहाँ वॉल जो बड़ी बनी हुई है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली कम है। तो पॉजिटिव में अगर आप देखते हैं तो 2280 nm उसकी जो थिकनेस है वो काउंट होती है, यहाँ उसकी थिकनेस जो है इसमें काफी डिफरेंस भी है। तो अपन एक काम करेंगे इनकी डिफरेंस को भी थोड़ा मेंशन कर देंगे। हाँ, तो इसी क्वेश्चन के बाद अपन डिस्कस कर लेंगे, डिफरेंस अच्छे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। कई और इन्फॉर्मेशन तो हम थोड़ा कनेक्ट करके चले हैं और रेफरेंसेस को कनेक्ट करें। तो देखो पहले तो क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग एनवेलप आपसे पूछा, तो हमने जो एनवेलप है ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये ग्राम पॉजिटिव का है, सॉरी ग्राम नेगेटिव है, वो ग्राम पॉजिटिव है। आपसे पूछ रहा है एडहेसिव प्रॉपर्टी कौन सा रखता है, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है दैट इज स्टिकी इन नेचर, और स्टिकी नेचर होने के कारण वो जो है वो बैक्टीरियल सेल को एडहेसिव प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर जो है इसमें जो बैक्टीरियल सेलुलर एनवेलप है उस पर फिम्ब्री प्रेजेंट होता है, वो स्पेसिफिकली एडहेसिव प्रॉपर्टी के लिए ही है। लेकिन आप ध्यान रखें आपको किसी अपेंडेज की बात नहीं कर रहा, आपसे लेयर का कवरिंग की बात कर रहा, लेयर की बात। हाँ, इसलिए आपका आंसर यहाँ जो है वो क्या होना चाहिए, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये देखो सर अपने जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसमें ग्रिफिथ ने भी वहां पर एक्सप्लेन किया था, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है उसमें एक तो एस स्ट्रेन है और एक आर स्ट्रेन है, तो एस में आपका ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है एस स्ट्रेन में, और ड्यू टू पॉलीसेकेराइड वो जो कॉलोनी बनेगी वो आपकी स्मूथ और शाइनी होती है, उसका रीजन भी है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स जो एस स्ट्रेन है वो डिजीज कॉज करने में कैपेबल, और जो आर स्ट्रेन है वो डिजीज नहीं करते, तो वायरल डिटेक्शन जो कर रखा है। बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सब्जेक्ट में कई सारी चीजों की थीम आपको ये देता है। क्लियर? तो आंसर हमारा फाइनल हुआ ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। और कॉलम फर्स्ट और सेकंड में देखिए वही दे रखा है, कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं जैसे मीजोसोम दिया है, आप जानते हैं जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है उस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये मीजोसोम, जो इनर फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन होता है, ग्राम पॉजिटिव में डोमिनेंट रहता है, तो इसमें अबंडेंट प्रेजेंस आप कह सकते हैं। तो एक तरीके से मैं इसको इससे
मिला सकता हूं। उसके बाद देखिए प्लाज्मिड्स हैं, आप जानते हैं प्लाज्मिड्स द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए फॉर्म इन बैक्टीरियल, और ये उस बैक्टीरियल सेल को फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। तो सर अपने पास दे रखा है तो करेक्टर में देखो ये जब इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ओके, तो ये इसको प्लाज्मिड को अपन यहां कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद क्रोमेटोफोर्स, ये क्रोमेटोफोर्स क्वेश्चन पूछा गया एक बार, मतलब आप बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस स्पेसिफिकेशन अगर देखेंगे तो एक तो मेजोसोम होता है, मेम्ब्रेनस इनर फोल्डिंग है, उसके अलावा बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी जो है क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को होल्ड करने वाला एक वेसिकल होता है, और ये सर 18 में या 17 में किसी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें स्पेसिफिकली ये प्रेजेंट होता है और ये वो वेसिकल है जो पिगमेंट्स को होल्ड करती है। तो क्रोमेटोफोर एक और मॉडिफिकेशन है मेम्ब्रेन का ही प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, तो इसको हम कहां से कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए हमारे पास लिखा है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट जी। उसके बाद पॉलीसोम, आप जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से वो एमआरएनए पर लाइन अप, सिंगल एमआरएनए जो है उसके ऊपर काफी सारे राइबोसोम अटैच हैं, लाइन अप हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ये और ये ऑब्वियस है क्या करेगा, ट्रांसलेट एमआरएनए, एमआरएनए को ट्रांसलेट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, तो इस हिसाब से आप देख लें। और इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा सर, मैं जो क्रोमेटोफोर्स हैं और मीजोसोम दोनों इंपॉर्टेंट हैं बैक्टीरियल सेल में, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं वो मीजोसोम और क्रोमेटोफोर है, बट दीज आर नॉट सेल ऑर्गेनल्स, ये कोशिकाओं में नहीं है, ये स्पेसिफिक बात है, ये झिल्लीबद्ध स्ट्रक्चर है, लेकिन मेम्ब्रेन की ही स्पेसिफिक ग्रोथ है, जैसे इनर ग्रोथ मीजोसोम जो है वो अंदर की तरफ आपने कहा ऐसे इनर फोल्डिंग हो गई, ये मीजोसोम है, और किस तरीके से कोई वेसिकल क्रिएट हो गई और उस वेसिकल में ही पिगमेंट फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट है। तो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, ये सेल ऑर्गेनल्स ये नहीं होंगे, बिल्कुल आप सीधा सा ये ध्यान रखें ना, सेल ऑर्गेनल के नाम पे तो राइबोसोम है, सिर्फ राइबोसोम है, उसके अलावा कोई सेल ऑर्गेनल होता ही नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा ये घुमा सकता है, स्ट्रक्चर दे रखा है या सेल ऑर्गेनल, उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज भी हो सकता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा बेटा आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें, सेल ऑर्गेनल्स ये नहीं है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो टर्म दे रखी है, ये भी प्लाज्मिड को आपने कनेक्ट कर दिया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो बैक्टीरियल सेल है उसमें अगर बाहर से मीडियम से कोई डीएनए जा रहा है, आपका प्लाज्मिड हो या कोई डीएनए मॉलिक्यूल हो, तो ये अगर मीडियम से डायरेक्टली इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है, तो इस मेथड को अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको कनेक्ट कर दिया। और जैसा कि डायवर्सिटी में भी बताते रखा है, जीन ट्रांसफर मेथड है बैक्टीरिया में, वो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, एक कॉन्जुगेशन, एक ट्रांसडक्शन, वो तीनों मेथड है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड्स इन प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया, ठीक है। हाँ, पैरासेक्सुअलिटी के लिए लिखा गया, क्योंकि बैक्टीरिया में एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो ऐसे पैरासेक्सुअलिटी के मॉडल जो सर अभी बोल रहे थे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्लियर, काफी सारी बातें हमने इस पे कर ली हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्ट्रक्चर विच कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया बट नॉट वाइटल फॉर सर्वाइवल। तो देखो अभी अभी मैं बात कर रहा था कि फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, और वो आंसर तो हम सीधा टिक कर सकते हैं, अब इस पे बात कर लेते हैं, सिंपल है। इसमें देखो बेटा, जो बैक्टीरिया है, अपन बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, तो उसमें एक तो होता है मेन जीनोम, दैट इज मेन जीनोम, बैक्टीरियल जीनोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जीनोफोर और न्यूक्लियोइड। तो ये जो मेन जीनोम है उसमें होते हैं वाइटल जीन्स, क्योंकि इस जीनोम के बिना बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है, ये भी डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन ये सारे बैक्टीरिया में नहीं होता सर, क्योंकि ये कुछ बैक्टीरिया में होता है जो डॉटिंग पे मेनी बैक्टीरिया, लेकिन जिस बैक्टीरिया में होगा उसको कुछ पर्टिकुलर फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करवाएगा, उसके पास कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो जाते हैं, वो काफी फंक्शन में हेल्प भी कर देते हैं, लेकिन जो प्लाज्मिड उसके बिना बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। हाँ, डेफिनेटली, तभी क्योंकि सर्वाइवल के लिए तो जीनोमिक एग्जिस्टेंस चाहिए, कोई भी सेल हो उसका अपना जो जीन फॉर्मेशन है, मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो है, उसकी एग्जिस्टेंस मस्ट, तभी वहां लिखा है कि इसके पास वाइटल जीन्स नहीं होते। वाइटल जीन किसके पास होंगे? जीनोफोर के पास। नॉट वाइटल मतलब लिविंग एग्जिस्टेंस के लिए जो रिक्वायर्ड है वो वाइटल है, और जो लिविंग एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है उसको नॉन वाइटल फॉर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसी के बेसिस पे सर हम लिखते हैं ए प्लस फैक्टर, या फिर इसको डोनर, इस पर्टिकुलर सेल को डॉलर हम कह सकते हैं। तो बायोटेक में तो इसका बड़ा रोल है, तो वहां बिल्कुल डिटेल में भी डिटेल में हम बात करते हैं, उसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा हम जब ये जो मेथड्स पैरासेक्सुअलिटी के पढ़ते हैं तब भी हम उसको क्लियर करते हैं, काफी सारी जगह आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। देखिए एग्जैक्टली जो सेल है, सेल बायोलॉजी है सर, दैट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ एंटायर बायोलॉजी। आपको सेल बहुत अच्छे से आता है तो बायोलॉजी पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होती। और एक बात मैं जरूर यहाँ वो भी इंक्लूड करना चाहूंगा, एनसीईआरटी सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड सिखाती है, तो सेल का रेफरेंस आप लीजिए, और सबसे लास्ट में एनसीईआरटी इकोलॉजी पढ़ाती है, उसका रीजन है दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच, वो मतलब समग्र है, सारा है,
सारा सेंस आपको वहां पुट कर देना ले जाके, लेकिन यहाँ से आपको सीख के वहां तक जाना है। और मेरे ख्याल से हर एक चैप्टर से कनेक्ट है, कनेक्ट है, किसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एनसीईआरटी इतनी शानदार बुक है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी बात को आप पढ़ो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको रेफरेंसेस उसके मिलेंगे, और उसी को एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ना कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर, तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया अभी हमने डिस्कस किया, जो क्रिश्चियन ग्राम है उनका स्टर्निंग प्रोटोकॉल उसके अकॉर्डिंग डिफाइन हुए, और आपने स्पेसिफिकेशन डिस्कस किया था, सर बोल रहे थे LPS लिपोपॉलीसैकेराइड की जो एक्स्ट्रा लेयर है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसी के बेसिस पे स्टर्निंग जो है वो रिटेन करी जा रही है, नहीं करी जा रही है। तो देखिए, ग्राम धनात्मक जीवाणुओं का लक्षण आपसे पूछा है, कौन सा नहीं है? जी बिल्कुल, ग्राम पॉजिटिव के अकॉर्डिंग बात करेंगे। हाँ, तो सर, तो इसमें पहला जो ऑप्शन दे रखा है बेटा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। करेक्ट है, जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन कंपोजिशन होती है, यूनिक यूनिक कंपोजिशन आप कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल का। सेकंड ऑप्शन, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर इज फाउंड, और ये अपने अभी बताया था बेटा, जो LPS है वो किसका कैरेक्टर है? वो नेगेटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टर है, पॉजिटिव में LPS एब्सेंट होती है। अच्छा सर, इसका अपन डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो है पैथोजेनिक है, जबकि पॉजिटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं है, तो क्या LPS का कोई कनेक्टिविटी इसमें है? LPS वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी जो है LPS जैसा सर बोल रहे हैं एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ये प्रोवाइड करता है। तो आप देखो, एक ओरल रेफरेंस हम कह सकते हैं, द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और द मोस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर द पैथोजेनिक, वो रोग कारक है, रोग उत्पन्न करने वाले या पैदा करने वाले हैं, जबकि पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, फिर दिया सर, मेजोसॉल हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जो मीजोसोम को बेटा जो एनसीईआरटी में जो फंक्शन दे रखे हैं सर, तो उसमें काफी सारे फंक्शन दे रखे हैं, उनके अलावा कोई पूछता भी नहीं है। क्लियर लिखा है, स्टेटमेंट मेंशन किया है, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, पुत्री कोशिकाओं को वितरित करने में भी। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला है ना, उस पर भी एक बात आप नहीं सीख सकते हैं कि जब बाइनरी फ्यूजन की जब एक्टिविटी होती है, तो जो मीजोसोम वहां प्रेजेंट है ना, वो क्रॉस वॉल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो वहां ना तो सेल प्लेट मेथड है, ना कोई फरो मेथड, वो अलग ही यूनिक मेथड होता है, जो मीजोसोम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो जीनोमिक कंटेंट है उसका डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसके अलावा सिंपल है, आपका सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा, इसके अलावा जो सीक्रेशन में भी हेल्प करेगा, एंजाइम जो कंटेंट है वो भी चेन प्रेजेंट है, एस्पिरेशन में हेल्प करेगा, इवन माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर माना गया है, एनालॉगस है, एनालॉगस है। तो इस तरीके से बहुत सारी आपके पास ये बातें हैं, तो ये कनेक्ट करके पढ़े आप, कनेक्ट करते रहे, और मीजोसोम से भी सर क्वेश्चन पुट अप करता रहता है, क्योंकि देखो मीजोसोम बैक्टीरियल सेल में जो है ना, मैं जहां तक समझता हूँ जीनोमिक कंटेंट के बाद सुपीरियर, सबसे सुपीरियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, लास्ट हमारे पास है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकेरियोट्स। बिल्कुल ठीक बात है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आप कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन का कॉम्पोजिशन है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी हो सकता है, तो अल्टीमेटली प्रोकैरियोट चाहे यूकेरियोट सब में फंडामेंटली वो सिमिलर है, और यूनिट मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन है, और इवन ये फर्क आप यूकेरियोट यूकेरियोट में भी देख सकते हो, दो यूकेरियोटिक सेल जो है उनमें भी क्वांटिटेटिव जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। जैसे हमें आरबीसी का एग्जांपल दे रखा है, आप एक आरबीसी को लो, एक किसी लीवर सेल को ले लो, बिल्कुल प्रोटीन लिपिड में आपको डिफरेंस, प्रोटीन लिपिड की क्वांटिटी में आपको डिफरेंस मिलेगा, तो इवन यूकेरियोट में भी डिफरेंस हो सकता है, बट प्रोकैरियोट और यूकेरियोट सेल्स दोनों जो है उनका सेल का सेल मेम्ब्रेन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। एनसीईआरटी में बाकायदा लिखा है, प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो वेरिएबल है, कम ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल वेरिएबल हो सकता है, कंपोजिशन डेफिनेटली वही होगा फॉर ऑल लिविंग सेल्स। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ से नॉट ए करेक्टर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आंसर सर क्या रहा, ये सेकंड आंसर हो जाएगा, ये लिपोपॉलीसैकेराइड हमारे को मिल गया। क्लियर, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 13 गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सर हमें वहां दे रखा है जो इंक्लूजन बॉडीज, एक बच्चों इंक्लूजन बॉडीज आप टर्म पढ़ते हैं, ये जो इंक्लूजन बॉडीज है इनके केस में सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, ये इंक्लूजन बॉडीज नॉन लिविंग फॉर्म्स, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे आपको दे रखा है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हैं, गैस वैक्यूल्स हैं, तो गैस वैक्यूल्स जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का ही करेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये स्पेसिफिकली सेल को बायोन्सी प्रोवाइड कर सकती है, जहां जैसे एक्वेटिक हैबिटेट में बीजीए पड़ा है तो फ्लोटिंग नेचर उसका होता है, तो उसको हल्का बनाने में ये काम आ सकती है, इसके अलावा कुछ रेडिएशन को ट्रैप करने में और एब्जॉर्ब करने में भी इनका रोल हो सकता है। तो ये जो गैस वैक्यूल्स हैं, ये गैस वैक्यूल स्पेसिफिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंक्लूजन बॉडीज हैं,
सर ये मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं सर, इंक्लूजन बॉडीज भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी। और फिर हम देखो वहीं आ जाते हैं, जैसे सर ने कहा इंक्लूजन बॉडीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, हमने कहा था शुरू में नॉन लिविंग है। दूसरा आप कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, तो डाउट कहीं कुछ नहीं है, प्रोकैरियोट्स में आप जानते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड अगर कोई होता सेल ऑर्गेनल तो यूकेरियोट से हम डिफर नहीं कर पा रहे होते उसको। लेकिन बच्चों का ये डाउट हो सकता है सर कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो गैस वैक्यूल में गैस स्टोर कैसे होती है। बिल्कुल सही है। तो देखिए ये जो इंक्लूजन बॉडीज हैं, ये आपने कहा रेडिएशंस को ट्रैप करने में और बायोंसी क्रिएट करने में जो है वो हेल्प करती है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर से इनको एक बार क्लियर कर दें क्योंकि डाउट ना रह जाए। जैसे बैक्टीरियल सेल है बेटा, तो उसमें ये मेनजीरोम हो गया, इसके बाद ये इंक्लूजन बॉडीज आती है। इंक्लूजन बॉडीज जो गैस वैक्यूल है उसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर ये एक लेयर तो होगी। हाँ, क्योंकि गैस को तो स्टोर करना ही है, लेकिन ये जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये प्रोटीन लेयर होती है, एंक्लोजर और जैसे ही उसको ऊपर की तरफ आना है जैसे वाटर एक्वेटिक है तो वो क्या करेगा, इनका नंबर इंक्रीज कर लेगा, उसको वापस नीचे जाना है तो नंबर डिक्रीज कर लेगा, तो इसका भी जो कंटेंट है जो इसका नंबर है इनकी साइज है वो भी वेरिएबल हो सकता है फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक और है थोड़ा सा कि कई बार क्या होता है कि जो यूवी रेडिएशन आती है तो ये जो गैस वैक्यूम के अंदर जो गैस प्रेजेंट है ये उनको एब्जॉर्ब भी कर लेती है, तो एक तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन में भी हेल्प। हां, क्योंकि यूवी रेडिएशन आएगा तो डैमेज करेगा वो सेल को, इवन डीएनए को तो डायरेक्ट डैमेज करता है, तो ये रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है और साथ में बायोंसी जैसे सर ने बताया कि नंबर इंक्रीज करेगा तो फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा, नंबर डिक्रीज करेगा तो वापस नीचे चला जाएगा। तो ये देखो अपने आप में स्पेसिफिकेशन रहा, गैस मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं। तो देखो ब्लू ग्रीन एल्गी आपको दे रखा है, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब देखो यहां एक बात सर मैं और करना चाहूंगा, जैसे हमें क्या दिया जाता है सिर्फ सल्फर बैक्टीरिया आपको लिख के दे दिया, बच्चों थोड़ा सा नेचर पे चले जाते हैं, सल्फर बैक्टीरिया अगर लिख के दिया आपको तो आप कह सकते हैं कीमोसिंथेटिक है, लेकिन जैसे बेटा पर्पल और ग्रीन रेफरेंस यहां ऐड कर दिए तो ये बहुत क्लियर कलर रिप्रेजेंटेशन है, पर्पल सल्फर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ऑब्वियस ये फोटोसिंथेटिक होगा, ठीक है। उसके बाद ब्राउन एल्गी दिया, ऑब्वियस आपको ब्राउन एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, पीओफाइसी में इंक्लूड किए गए, पहले बता चुका गैस वैक्यूल प्रोकैरियोट में होती है। हाँ, तो पहले ये क्लियर प्रोकैरियोटिक को ही आपको सेलेक्ट आउट करना है। हाँ, तो यहाँ पर प्रोकैरियोट ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हाँ, और ये आपका यूकैरियोट हो गए तो यूकैरियोट में गैस वैक्यूल जो है उनका करेक्टर नहीं है। ठीक बात, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हुआ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया हमने। नेक्स्ट 14, Which of the following structure determine the shape of the cell and provide strong structural support to prevent the bacterium from bursting? Cell को फटने से burst करने से कौन बचा सकता है? तो rigid structure की requirement है यहाँ। अब देखो सर, rigid structure की बात की जाए तो cell membrane को तो हम कभी भी नहीं कह सकते, flexible structure है और साथ में आप जानते हैं ये तो जो है वो अपने आप में selective nature की membrane है biological system में सारी। Slime layer अपने आप में आपने कहा था जो bacterial एनवेलप है उस पर एक डिपोजिशन है और ये स्पेसिफिकली जो है वो स्टिकी नेचर और प्रोवाइड करता है कैप्सूल और स्लाइम लेयर के फॉर्म में, तो ये रिजिड नहीं हो सकता। हाँ, कैप्सूल के फॉर्म में रिजिडिटी शो करता है, बट वहां देखो सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ा, वाटर की एंट्री हुई, एनलार्जमेंट आया, तो फटने से नहीं बचा सकता ये। बिल्कुल, सेल को रिजिडिटी जरूर दे सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स का ही फॉर्म ये लिखा है, तो आपके पास देखो बहुत परफेक्ट आंसर बच जाता है सेल। इसके बारे में सर अपन थोड़ा सा प्लांट और दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए आप जानते हैं प्लांट्स में सेल वॉल जो है वो पेक्टोसेलुलोजिक कंपोनेंट है, तो प्लांट सेल का जो स्पेसिफिकली शेप डिटरमाइन कर रहा है वो वही करता है, ठीक है। आप प्लांट सेल के अलावा जैसे हम किंगडम वाइज भी अगर हम जाएं तो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके अलावा प्रोटिस्टा में अगर आप देखें तो जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप वहां आप हमें स्लाइम वॉल्स दे रखे हैं, प्रोटोजोन्स दे रखे हैं, वो प्रोटोजोन सेल वॉल को लैक करते हैं, फंजाई में प्रेजेंट है, तो यहां मिलेगी आपको। एनिमेलिया किंगडम में अगर हम जाएंगे तो थ्रू आउट आपको एब्सेंट मिलेगी, तो इस तरीके से बहुत वेरिएशन सेल वॉल को लेके हैं। एक स्टेटमेंट भी है कि हाँ, जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो सेल वॉल है अपन बोल सकते हैं प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। हाँ, प्लांट्स में होती है ऑल फंजाई एंड सम प्रोटिस्टा, सम प्रोटिस्टा, क्योंकि स्टेटमेंट यहां स्पिन कर सकता हूं। हाँ, वो बिल्कुल, क्योंकि सारे प्रोटिस्टा दे दिया तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे बोला ना फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में, और उसमें भी देखो नेचर अलग अलग हो जाता है। आपको क्राइसोफाइट्स अगर दे रखा है तो फिर आपको सिलिसियस सीथ पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको डायनोफ्लेजिलेट दे रखा है तो स्ट्रिप्स आपको जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, तो ये वेरिएबल हो जाता है। तो इस तरीके से आपको देखो हमने तो वाइड रेफरेंस डिस्कस किया, बाकी हमें तो सिर्फ बैक्टीरियल सेल की बात कर रहा है। तो बेसिकली बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा है सेल वॉल को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटिस्टा में जैसे सर ने अभी कहा कुछ रिप्रेजेंट करते हैं कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, फंजाई में प्रेजेंट होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है और एनिमेलिया में थ्रू आउट एब्सेंट होती है। तो हमारे पास यहाँ बैक्टीरियल सेल का जो शेप डिटरमाइन करने वाला है और उसको मजबूत संरचनात्मक सामर्थ्य जो प्रदान करता है, जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ब्रस्टिंग से जो प्रिवेंट कर सकता है, वो कौन है?
सेल बोर्ड और एक एनसीईआरटी में स्टेटमेंट भी है, ये ब्रस्टिंग से भी प्रिवेंट कर रहा है और कोलैप्सिंग से भी प्रिवेंट कर रहा है, ताकि बाहर से कोई मैकेनिकल डैमेज हो तो कोलैप्स ना हो। कोई आया शॉक तो मैकेनिकल शॉक जो है रिजिडिटी है इसमें, तो रिजिड होने के कारण जो मैकेनिकल शॉक है उसको अपने लिमिट तक उसको वो जो है कोलैप्स नहीं होने का। इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे सेल पे मैकेनिकल डैमेज देते हैं वो सेल वॉल प्रेजेंट तो टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं है इसका मतलब। अपन ये बोल सकते हैं बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड ऑल्सो कोलैप्सिंग। हाँ ये एनसीईआरटी में दे रखा है, बिल्कुल ठीक है सर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। देखिए विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट बाय एक्स, एक्स पे जाना है आपको, तो करेक्ट इस पढ़ लीजिए, ये थोड़ा ग्राफिकल हो गया थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से इंटरेस्टिंग है और बाकी तो बातें वही लिखी होंगी। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस की एब्सेंस की बात कर रही है, करी गई है, तो सर क्या मैं कह सकता हूँ ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स को ही डिफाइन कर रहा है। उसके बाद कह रहा है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड एंड मेसोसोम, क्लियर। तो सर मेंशन करते हैं आप प्लाज्मिड और मेसोसोम, आपको पता है जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया के, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स प्लाज्मिड एंड मेसोसोम्स। लेकिन थर्ड जो दे रखा है, अब ये देखो डीएनए रेप्लिकेशन ऑब्जर्व, तो ऑब्वियस है डीएनए रेप्लिकेशन तो सारे सेल्स में ही होगा, तो ये तो जो है वो हमें कॉमन कैरेक्टर दे दिया, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स हैं ये दोनों जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के हमें दिए। मेरे ख्याल से ये जो सेकंड वाला जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस में तो मैच्योर आरबीसी भी दे सकता था, लेकिन यहाँ मेसोसोम बिल्कुल प्लाज्मा। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस में आप न्यूक्लियस की प्रेजेंस है या नहीं है एक बात तो आप ये कह रहे हैं, तो जैसे आरबीसी सर ने बोला तो वहां तो एक तरीके से जेनेटिक कंटेंट ही नहीं है, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन आप बात करें तो वहां न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस नहीं है लेकिन उस न्यूक्लियस एक तरीके से प्रिमिटिव फॉर्म या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते ही हम उसको, जीनोफोर बोलते हैं, प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं, तो न्यूक्लियोइड वहां प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली आरबीसी भी लिख सकता था। हाँ, इस तरीके का डिटेक्शन जो है ना वो आप रखें, बिल्कुल एक एक बात अगर आप डिटेक्ट करके आए तो जल्दीबाजी ना करें। हाँ, एक कोई आपने ऑब्जर्व किया और सीधे आंसर पे चले। हाँ, क्योंकि कई बार जो है ना वो जैसे सर कह रहे हैं बार बार स्पिन करता है, अब जब स्पिन करेगा क्योंकि आजकल बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं पूछ रहा है तो फिर उसके पास पूछने को बचता क्या है। कई बार होता है ना बच्चे बोलते हैं कि सर वहां पता नहीं मैंने जल्दीबाजी में क्या कर दिया, वो सिली मिस्टेक ही मार जाता है। नहीं तो बच्चे काफी अच्छा पढ़ते हैं और पढ़ के भी, मेरा मानना है कि अभी जिस तरह का पेपर आ रहा है बायोलॉजी में तो 350 तो टारगेट होना चाहिए, बिल्कुल हर एक बच्चे का, 360 एक बच्चे का होना चाहिए, बाकी तो आप कितना ही कर लो एक आधा वो कंट्रोवर्सी भी डालता है, तो 350 प्लस बोला मैंने, 60 जा सकते हैं। तो ये आंसर हमारे पास सर हो गया बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को यहां रिप्रेजेंट यहां किया गया है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरिया दैट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट स्टेन ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग मेथड या ग्राम स्टेनिंग। तो देखिए ग्राम स्टेनिंग प्रोटोकॉल अपना एक है जिसमें ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को हम डिटेक्ट करते हैं। जो ग्राम स्टेनिंग प्रोटोकॉल है उसमें जो स्टेनिंग मेथड है सर उसमें एग्जैक्टली जो स्टेन लेता है वो एक सीवीआई कॉम्प्लेक्स को एज ए स्टेन ले लेता है, क्रिस्टल वायलेट आईडी। तो एक बात आप बहुत क्लियरली ध्यान रखें, जो नेगेटिव बैक्टीरिया वो स्टेन नहीं ले रहा है तो उसका रीजन है एलपीएस, जो लिपोपॉलीसेकेराइड की एक्स्ट्रा लेयर उस पर प्रेजेंट है, तो ये जिसमें प्रेजेंट होगा वो तो बिल्कुल नहीं लेगा। अब बाकी के ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो सर एक तो देखो आपकी तरफ ये लिखा साइटोप्लाज्मिक झिल्ली, साइटोप्लाज्म में रोल ही नहीं है इसका, आप बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करेंगे। दूसरा ये लिखा है पेप्टिडोग्लाइकन, तो आप जानते हैं पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ सेल वॉल यूनिक प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया की, और ये जो सेल वॉल है ये ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कंपैरेटिव टू नेगेटिव बैक्टीरिया थिक होता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उस टाइम ले लेता है, और इसका रीजन है आपके पास पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद दिया है ओ एंटीजन, उसका कोई रोल नहीं है एंटीजन का, कोई मतलब स्टेन को लेने और नहीं लेने पर जब भी बोलते हैं जो स्टेनिंग है वो उसका बेसिस मेन है सेल वॉल और सेल वॉल का कंपोनेंट सीधा आपको दे रखा है पेप्टिडोग्लाइकन। तो हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स हो गया पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट पे चले, सॉरी नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो देखिए बहुत बेसिक बात है, ऑलवेज प्रेजेंट होगा और आप जानते हैं 70s टाइप होगा, डीएनए के बिना तो कोई किसी सेल का लिविंग एग्जिस्टेंस एग्जैक्टली नहीं है, मतलब जीनोमिक कंटेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल जो ऑलवेज एब्सेंट होगा, और फिर वही बात बार बार आ रही है कि देखिए मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल का नहीं होना और जो जीनोमिक कंटेंट है उसका न्यूक्लियस के फॉर्म में नहीं होना, ये दो स्पेसिफिक करेक्टर है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल, उसी के बेसिस पे मेनली उसी के बेसिस पे डिस्टिंक्शन किया गया। बाकी तो अगर यूकैरियोट प्रोकैरियोट में हम देखें तो बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं, काफी सिमिलरिटीज आपको यूकैरियोट प्रोकैरियोट में मिल जाएंगे। क्लियर, तो स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इसीचिया कोलाई एंड क्लैमाइडोमोनास। तो देखो ई कोलाई एक बैक्टीरिया आपको दे दिया, एक क्लैमाइडोमोनास एल्गल फॉर्म दिया है, ग्रीन एल्गी हो गई, हाँ यूनिसेलुलर फॉर्म है,
आप टेक्सोनॉमी में जब डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं तो इस पे स्पेसिफिकली फोकस होता है हमारा, क्योंकि यूनिसेलुलर फॉर्म होने के साथ साथ जो है ये ग्रीन एल्गी में क्लोरोफाइसी मेंशन किया गया है। तो देखिए सर यहाँ दिया है कौन सा भिन्न नहीं है, मेनली नॉट डिफर, नॉट डिफर कहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस रखें, राइबोसोम्स क्या रखें, राइबोसोम की अगर आप बात करें तो देखो वो ग्रीन एल्गी है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, एटीएस टाइप का राइबोसोम होगा, एक्सट्रीशिया कोलाई प्रोकैरियोटिक फॉर्म है। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सेल वॉल आप जानते हैं दोनों में प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन। अब वॉल का कंपोजिशन तो दोनों में फिर भी डिफरेंट हो गया क्योंकि वो ग्रीन एल्गी है और आपने एक कहा बैक्टीरिया है, ये सर मेम्ब्रेन जैसा हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि फंडामेंटली प्रोकैरियोटिक वॉच है यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन और दोनों में क्या होती है सिमिलर होती है। तो आंसर हमारा डज नॉट डिफर, जो डिफर नहीं करेगा क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट करें, रिपीट भी हो रहे हैं कुछ, हाँ मतलब वही सब चीजें आएंगी, हाँ। आपको घुमा फिरा के वही मिलेगा, जो अपने जो क्वेश्चन लिए हैं वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिए हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। और देखिए इवन ये सब हो चुका है, जैसे एनसीईआरटी की सीक्वेंस हुई, इससे पहले भी सर डिस्कस हो चुका है अपना प्लांट डाइवर्सिटी जो है पोर्शन पूरा लिविंग बर्ड से लेके उसके बाद में मॉर्फोलॉजी उसके बाद में एनाटॉमी, ये सारा बीएल सर और ललित सर, बाबूलाल सर और ललित सर ने आपके साथ डिस्कस किया है, तो थोरोली सारा जो है वो आपके पास आ गया। इवन आप इन सबको सीक्वेंस में अगर पढ़ लेंगे तो एक तरीके से एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखें और हर एक लाइन पे एनसीईआरटी पे फोकस रखें और जो डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन पे थोड़ा सा स्पेसिफिक फोकस आप रखें। जैसे बार बार हम एक एक चीजें डिटेक्ट करके बता रहे हैं, कुछ मैं बोल रहा हूँ कुछ सर बोल रहे हैं कि देखो सर ये ऐसा स्पेसिफिक इसमें है, तो इन बातों को आप थोड़ा सा गौर से सुनो। मेरे ख्याल से ये भी फायदेमंद होगा बच्चों के लिए, से आज इन्होंने टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए, उन्होंने वीडियो देखे तो रिवाइज कर ले एनसीईआरटी से, हाँ उसी तरीके से, तो एक तरह से पूरा कवर हो जाएगा, एप्रोप्राइट रेलिवेंट एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट। अपने यहाँ पर टॉपिक भी वो लिया, सेल थ्योरी इंट्रोडक्शन ले लिया, इसके बाद में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद ऑर्गेनल वगैरह ले लेंगे, उसके बाद सेल डिवीजन है, सेल साइकिल है, तो पूरा सीक्वेंस मेरे ख्याल से ये अब देखना भी सीक्वेंस है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तभी हो सकता है, उनके रिव्यू आ रहे हैं, बीच में से आप कुछ भी पुट करेंगे तो फिर उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपका मिसकंसेप्शन होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट्स एज द कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल में कौन सा कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो देखिए आपके पास 23 आरआरएनए दिया है, तो जो आरआरएनए कंपोजिशन है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का, सर इसमें देखो मेनली कैटलिस्ट पूछा है तो 23 हो गया, लेकिन जो राइबोसोम उसके अकॉर्डिंग बता दें ताकि राइबोसोम के लिए 70S जो राइबोसोम है, 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, उसमें जो लार्ज सबयूनिट है वहां पर दो टाइप के आरआरएनए है, एक तो जो लार्ज वाला है वो 23S आरआरएनए है और दूसरी है 5S आरआरएनए और जो स्मॉल सबयूनिट उसमें होता है 16S आरआरएनए। और यहां इंपॉर्टेंट ये है जो 23S आरआरएनए है ये एंजाइम की तरह कार्य करता है, कैटलिस्ट की तरह, और इसका जो फंक्शन वो मॉलिक्यूलर से कनेक्ट हो गया, 23S आरआरएनए कैटलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन उसको कैटलाइज कौन करवाएगा, 23S आरआरएनए, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से देखो ये 70S राइबोसोम का जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो भी आपके सामने है। ठीक है, तो कनेक्ट करते रहे, आंसर आपके पास हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट 20N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड इज फाउंड इन, तो देखिए एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ये दिया है आपको नाम, तो आपने ये पढ़ रखा है नाम और नाग जो होते हैं वो अल्टरनेटिव सुगर अल्टरनेटिव्स हैं या डेरिवेटिव्स हैं, मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं जो 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू बंधे रहते हैं सर। तो ये जो हम मेम्ब्रेन सॉरी वॉल पढ़ते हैं जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन की और पेप्टिडोगल फंजाई की, तो इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन है बेटा उसमें देखो सिंपल है, आप ही चुके हैं लेकिन एक बार वापस देखो, पेप्टिडोग्लाइकेन जो है उसमें दो टर्म है इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान देना, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। ग्लाइकेन जनरली अपन यूज करते हैं पॉलीसेक्राइड्स के लिए, बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो जो ग्लाइकेन जो कंपोनेंट है उस ग्लाइकेन में हो गया पॉलीसेक्राइड और उसके अंदर जो यूनिट्स होती है वो होती है आपकी एक तो नाम और एक नाक और दूसरा हो गया नाक, और जैसा सर ने बोला है इनके बीच में जो बॉन्ड होता है स्पेसिफिक बॉन्ड है बेटा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये अल्टरनेटिव फॉर्म में होती है, अल्टरनेटिव होती है नाम नाग फिर नाम आएगा नाम नाग नाम नाग, इसका रेशियो भी फिर सेम ही होगा पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये एक तरीके से दो बातें क्लियर करता है आपको बैक्टीरियल कंपोजिशन में एंड फंगल कंपोजिशन जी, ये इनकी प्रेजेंट फंगल कंपोजिशन में जो काइटिन है, तो काइटिन जो है वो उसका होमोपोलीमर हो गया, काइटिन में केवल नाग होता है, काइटिन इज द होमोपोलीमर ऑफ नाग, प्लांट बिल्कुल नहीं होगा, सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डेफिनेटली होगा,
सेलेबल कंपोनेंट ऑफ फंजाई, अब इसमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रखना कि जैसे सबने अभी ये लिखा काइटिन है तो नाग सिर्फ यहाँ प्रेजेंट होगा, और वायरल कॉट मटेरियल आपको पता है प्रोटीन पोर्ट होते हैं, उनका कोई मतलब इनसे नहीं। क्लियर। नेक्स्ट है 21, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, और हम बहुत अच्छा डिस्कस इस पे कर चुके हैं, ये मीजोसोम, और ये एनालॉगस भी बता चुके हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर मीजोसोम एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। कितनी इसके स्पेसिफिकेशन एनसीईआरटी में क्लाइम मेंशन कर रखी है, सेल वॉल फॉर्मेशन में एक्ट कर रहा है, ये रेस्पिरेशन में एक्ट करता है, ये जो है वो क्रॉस वॉल फॉर्मेशन में जो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन उसमें एक्ट कर रहा है, तो सारी एक्टिविटीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आंसर आपके पास हो जाएगा मीजोसोम। क्लियर। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट 22, चूज द करेक्टली मैच्ड वन, हमें विब्रियो दे रखा है और रोड लाइक लिख दिया है, ठीक है, आपको सिर्फ यहां देखनी है तो विब्रियो जो है वो रोड लाइक नहीं होता है, बैसिलस होगा, मीजोसोम हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन अभी डिस्कस कर रहे थे होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर सिंथेसिस ऑफ द लिपिड, डेफिनेटली वो इसके लिए स्पेशलाइज्ड है, स्टेरॉइड्स और लिपिड्स के लिए एसईआर स्पेशलाइज होती है, और एक सर देखो दे रखा है वैक्यूल रिच इन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, देखिए वैक्यूल अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिच होती तो लाइसोसोम होता वो, मतलब एग्जैक्टली जो लाइसोसोम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिच वो है तो वो लाइसोसोम फॉर्म है, तो एक तरीके से हमारे पास ये दोनों तो करेक्ट हैं और ये इनकरेक्ट रेफरेंसेज हो गए, तो पॉड आप देख लीजिए सेकंड और थर्ड करेक्ट है, सेकंड थर्ड ये मैच्ड पूछा है हमें तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, और ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये सर जो शेप दे रखी है वहां से भी क्वेश्चन डिजाइन करता है, हाँ जो बेसिकली फोर शेप है फोर शेप से वो दे रखी है उनको भी फोकस करना है, हाँ जैसे आप दे रखा है तो कोकस दे रखा है राउंड स्फेरिकल होता है, ये डायग्राम से बता देते हैं कि आपका रोड शेप होगा बेसिलस होगा, जो बेसिलस है वो ये रोड शेप होगा, इसके अलावा दे रखा है आपका कोमा शेप, कोमा शेप दे रखा है ये कोमा की विब्रियो हो जाएगा, ये विब्रियो होगा, ये विब्रियो हो जाएगा, और एक स्पाइरल इस तरह से स्पाइरल, हां तो ये बैक्टीरियल शेप है बेसिक है बिल्कुल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है राइबोसोम्स नेवर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो गलत बात है, आरईआर तो बनी इसीलिए है, आरईआर जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीएस टाइप के राइबोसोम्स को कंटेन करती है, बिल्कुल। फिर लिखा है सेंट्रियोल इज द नॉन मेम्ब्रेनस एंड कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल, नॉन मेम्ब्रेनस तो ठीक बात है लेकिन ये गलत हो गया, ये आगे जो लिखा है वो गलत हो गया। फिर लिखा है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, देखिए ये इतना स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिखा है, अब इसके आगे प्लांट और एनिमल सेल्स आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, इवन सर ये अपने फिजियोलॉजी में जहां ग्लाइकोलाइसिस दे रखा है ना ग्लाइकोलाइसिस में भी कह रहा है साइटोसोलिक एक्टिविटी है वो, और ये इसी स्टेटमेंट का रेफरेंस है कि जो मेन एक्टिविटी सेल की जो होंगी वो साइटोप्लाज्म में होगी, साइटोप्लाज्म इज द साइट बेसिकली। फिर क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स कॉमनली पॉसेस बोथ मेम्ब्रेनलेस एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, गलत बात है, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल को तो हम एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट कर ही रहे हैं कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो देखिए आपके पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हुआ ये थर्ड वाला, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। क्लियर। इसमें जो प्रोकैरियोटिक वाला जो है इसमें तीन स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल लैक ऑर्गेनल्स, इनकरेक्ट हो जाएगा, हाँ तो यार थोड़ा सा क्योंकि राइबोसोम है, राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, हां तब सही बात हो जाएगी, तब सही बात है, हां तो ये बारीकियां ध्यान रखनी जरूरी होती है। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 24, चूज द रॉन्ग मैच विद रेफरेंस टू द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, तो देखिए कॉकस अभी बताया था, ठीक है, सीधा आपके सामने विब्रियो जो है वो कोमा है, स्पाइरलम रोड लाइक, ये गलत हो गया है, कोमा हो जाएगा ये रोड लाइक, स्पाइरलम लिखा है जबकि स्पाइरलम इधर कर दिया ना, देखो ये जो ये रोड लाइक दोनों में रोड लाइक लिख दिया, जो बैसिलस है वो रोड लाइक, तो इस तरीके से आपके पास आंसर इनकरेक्ट हो गया। थर्ड नेक्स्ट Which one is true for mesosome? तो देखिए वही सब बातें आ रही हैं mesosome के लिए क्या true है? These are extension in the form of vesicles, tubules and lamellae. बिल्कुल perfect है ये। जी बिल्कुल। ये देखो जो diagram से clear करें, तो ये आपका cell membrane होगी bacteria की। तो ये जो infolding होगी towards the cytoplasm, तो ये आपका vesicle भी बन सकती है, lamellar form में भी हो सकती है, tubules form में भी हो सकती है। Inner growth है एक तरीके से। फिर लिखा है सर, they help in the cell wall formation, DNA replication, distribution to daughter cells. ये स्टेटमेंट हम लोग पता नहीं कितनी बार इसी में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी से ऐसे ऐसा लिया गया है, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। दे हेल्प इन द रेस्पिरेशन सीक्रेशन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, ऑल आर करेक्ट। तो आपके पास सारे स्टेटमेंट्स जो है वो यहां सही है। इस क्वेश्चन में तो मीजोसोम के सारे कॉन्सेप्ट याद, हां एक तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब ये है कि मीजोसोम की कंप्लीट फंक्शनिंग आपको पता है। क्लियर।
नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26। द बैक्टीरियल सेल एनवेलप कंसिस्टिंग ऑफ ए टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो सर थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर हम ड्रॉ अगर करें तो देखिए, अभी आपने डिस्कस भी किया थोड़ा सा बैक्टीरियल के, देखो ये तो होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो प्रेजेंट होगी सेल वॉल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग सेल वॉल एंड आउटर मोस्ट दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये इनका सीक्वेंस होगा, इनर साइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनर साइड, जैसे क्वेश्चन पूछे अकॉर्डिंग आंसर। हाँ, तो आप ये देख लें, और पॉजिटिव नेगेटिव का रेफरेंस भी हम क्लियर कर चुके हैं कि पॉजिटिव में आपको देखना हो तो ये परफेक्ट है, नेगेटिव में अगर आपको देखना हो तो इस वॉल से ठीक बाद आपको यहाँ आउटर मेम्ब्रेन जो एलपीएस है उसको डिफाइन करना है। तो देखो आप इसमें सीक्वेंस आपको पूछा गया है जिनका क्रम बाहर से अंदर की ओर, तो बाहर से क्या होगा, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्टूडेंट्स आंसर आपके पास हो जाएगा, जनरल रेफरेंस है। नेक्स्ट 27। इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम्स, देखिए R15 एंड NM220 साइज, ये ठीक है साइज लिखा है ऊपर वाला, सर ये ऊपर वाला पढ़ना निकले, आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल का अगर आप मेम्ब्रेनस फॉर्म देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहां आप कह सकते हैं राइबोसोम्स की ये प्रेजेंस, इस तरीके से राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो आपने मेंशन भी किया है कि जो लार्ज सबयूनिट है ये मेम्ब्रेन से बाउंड होगी, बिल्कुल, और स्मॉल सबयूनिट है इस साइड में, जबकि एमआरएनए भी जब ये जुड़ता है ना सर, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स ये बनाते हैं, एमआरएनए पर जब ये जुड़ते हैं तो ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में स्मॉल सबयूनिट से कनेक्टिविटी उनकी होती है। फिर क्या है, कंटेंट टू सबयूनिट्स 50 एंड 30s, अब देखिए 50 एंड 30s प्रेजेंट है 70s टाइप में, ये अभी डायग्राम बताया भी था अपन ने, ये आपका 50s है लार्ज सबयूनिट एंड दैट इज 30s। तो आपके पास सारे स्टेटमेंट इसके भी करेक्ट, और ये साइज भी तो इंपॉर्टेंट है कई बार, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है 15x20 nm, और यह इंपॉर्टेंट हो गया, इतना स्मॉल साइज है ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट किया जा सकता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है जी। नेक्स्ट 28, पॉलीराइबोसोम, अभी देखिए वही आ गया है, और पॉलीसोम रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे लिखा है माइक्रोबॉडीज लाइक ग्लाइकोसोम, माइक्रोबॉडीज का कोई मतलब नहीं, राइबोसोम्स एंड एसएनआरएनए नहीं, एग्रीगेशन ऑफ आरआरएनए, फिर कह रहा है सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए, बिल्कुल अभी डायग्राम बनाया था ये सिंगल एमआरएनए है और इसके ऊपर काफी सारे ये राइबोसोम्स लगे। इंट्रासेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी के लिए बेसिकली ये बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आंसर हमारा हो गया फोर्थ वन। नेक्स्ट पे चलते हैं 29। करेक्टली अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया, ग्राम स्टेनिंग मेथड और प्रोटोकॉल जो है उसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज आपसे करवा रहा है। तो देखो क्या लेना है आपको, देखो सबसे पहले कह रहा है ट्रीटमेंट विद अल्कोहल नहीं बाद में करना है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं स्टेन विद द क्रिस्टल वायलेट डाई, क्रिस्टल वायलेट डाई के साथ स्टेन करने के बाद आपको वॉश कर लेना है, उसके बाद स्टूडेंट्स 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो फिर ऐड कर देना है, तो ये ऐसा होते ही बन गया CVI complex. इसको रिसीव कर लेगा सेल, तो उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश करना होता है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश करने के बाद जिस पे स्टेन रहेगा वो पॉजिटिव है, जिस पे स्टेन नहीं रहेगा वो नेगेटिव है, और फाइनली आपको ऑब्जर्व करना अंडर माइक्रोस्कोप। बिल्कुल आपने जैसे सीक्वेंस बताया है, तो ये पहले सीवी यूज करेंगे उसके बाद में आयोडीन, और यहाँ पर वॉशिंग जरूरी है ताकि जो फ्री सीवी है वो वॉश ऑफ हो, और फिर उसके बाद में जैसे सीवीआई कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद में अपन यूज करेंगे अल्कोहल, दैट इज डीकलराइजिंग एजेंट, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होता है, तो वो एग्जैक्टली क्या करता है कि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन या नेचर है उसके अकॉर्डिंग उस पे से स्टेन जो है उसको हटा देता है या फिर उस पे रखता है, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑब्वियस है ऑब्जर्व तो जिन्होंने किया उन्होंने किया, हम तो सिर्फ देखेंगे इसी तरीके से। तो ये सर इसका आंसर आपके पास हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस अगर देखें तो सबसे पहले सी है हमारे पास ऑप्शन, और उसके बाद में हमें सेट टू वॉशिंग, थ्री टू वाला ऑप्शन देखें वो ही आपके पास, फोर ये फोर्थ आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 30, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ, तो देखिए सेंट्रियोल्स के रेफरेंस में डेफिनेटली प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफर करती है, एस्ट्रल और एनेस्ट्रल सेल डिविजन आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो सेंट्रियोल्स के प्रेजेंस है वो एनिमल सेल में है, लेकिन राइबोसोम तो कॉमनली प्रेजेंट होता है दोनों में। ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, डेफिनेटली इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। तो इवन सर अपन इस पे कई सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा फिजियोलॉजी बेस्ड है। आप देखिए ये सेल वॉल, ये इसके बाद में प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन, और आप ये कहते हैं लार्जर जो एक स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी वैक्यूल जो टोनोप्लास्ट से एनक्लोज होता है, और इस वैक्यूल की लार्जर स्पेस या लार्ज स्पेस ही ऑक्यूपाई करता है, उसी कारण इसका जो न्यूक्लियस है वो
पेरिफेरल कंडीशन में आ जाता है, एक बात ये होगी। फिर देखिए इसका ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो सेल सैप अपन कहते हैं या वैकुलर सैप इसको कह सकते हैं, इसका कंसंट्रेशन ऑलवेज हाई होता है देन द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, साइटोप्लाज्म से कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब, अब देखो आप प्लांट इतना डाइवर्स वर्ल्ड है, प्लांट्स को वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करना था, प्लांट्स के पास ऐसा एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम कोई नहीं था कि बहुत सारी एनर्जी लगा के बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता और उसको ट्रांसलोकेट करता, तो फिजिकल फोर्सेज को उसने लिया। अब फिजिकल फोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहली एक्टिविटी क्या की, जैसे इसको आप रूट हेयर सेल पे ले आओ, रूट हेयर सेल पैसिवली वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो कैसे कर सकती है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसकी सेल सैप की कंसंट्रेशन हाई है और ऐसा होने से सॉइल सॉल्यूशन से पैसिवली वाटर उसमें एंटर कर सर है। जैसे आपने बताया कंसंट्रेशन हाई है, इसका यहाँ पंप होंगे इसमें डेफिनेटली टोनोप्लास्ट को हाईली सेलेक्टिव बोला जाता है, जो मेम्ब्रेन है इसकी ये टोनोप्लास्ट है बच्चों, और टोनोप्लास्ट को जैसा सर कह रहे हैं ये इस पे एक्टिव इंटेक ही करता है, तो इस पे पंप्स की प्रेजेंस होती है, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हाईली सेलेक्टिव काउंट की जाती है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, कई बार सीधा स्टेटमेंट पूछा जाता है, जैसे फिजियोलॉजी में भी अपन बात करते हैं तो वहां आपको लिखा मिलेगा द ऑस्मोटिक बिहेवियर ऑफ ए प्लांट सेल इज डिटरमाइंड बाय, तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए सेल सैप कंसंट्रेशन, मीन्स वैक्यूल जो है वो वैक्यूल पूरी तरीके से किसी एक प्लांट सेल के ऑस्मोटिक बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। और 90% अप टू 90% जैसे स्पेस की बात करें अप टू 90% तक स्पेस आप कह सकते हैं वैक्यूल जो है वो प्लांट्स में ऑक्यूपाई कर सकती है। वैक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप की हैं उन पे भी अगर आप बात करें, एक गैस वैक्यूल आप अभी पढ़ चुके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन की है, इसके अलावा फूड वैक्यूल होती है जैसे प्रोटिस्टा वगैरह इनगल्फ वो करते हैं मटीरियल तो वो उसको कंटेन करती है, इसके अलावा अमीबा में जैसे आप अगर देखें तो आप उसमें पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो ये कुछ वैक्यूल फॉर्म भी, मतलब एक बात अगर आप जो वैक्यूल पढ़ रहे हैं तो उसके सराउंडिंग की उसके आसपास की सारी बातें आपको वैसे नेक्स्ट जो अपना आएगा सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें वैक्यूल को डिटेल में वो सारे लेंगे एज ए ऑर्गेनल मेम्ब्रेन सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें सर आंसर हमारे पास हो जाएगा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट 31 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल लैक मेम्ब्रेन। देखिए सेंट्रियोल ही लैक करेगा, राइबोसोम लैक करेगा, वैक्यूल अभी आपने बात की थी टोनोप्लास्ट है, तो ए और सी उधर भी लिखे सर फ्लेजिला इसमें मेम्ब्रेन नहीं है और ये वैसे भी जो है ऑर्गेनल में काउंट नहीं होता। ठीक है, ये माइक्रो बॉडीज इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और लाइसोसोम में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन इसने पूछा क्या इंपॉर्टेंट ये है ऑर्गेनल की बात की। हाँ देखो ये इसको लेके कंफ्यूजन होता है, दैट इज द एक्सटेंशन इन यूकेरियोटिक सेल, दैट इज नॉट ऑर्गेनल। हाँ ये ऑर्गेनल नहीं है, बाकी इसमें यूकेरियोटिक सेल का जो मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ये होता है, तो इस पे प्रेजेंस है लेकिन सर जैसा बता रहे हैं डिटेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये काम की बात है ये ऑर्गेनल नहीं है, तो इस तरीके से हमें आंसर को फाइनलाइज करना है। ये गलती हम कर बैठते हैं, ठीक है, तो इसी मिस्टेक्स यही होती है, यही होती है, तो इसके हिसाब से हमारे पास आंसर सर हो गया सेंट्रियोल हो गया राइबोसोम हो गया और बस दो ही हो गए, दो सेंट्रियोल और राइबोसोम, तो ए और सी का ऑप्शन आपके पास थर्ड रहा। क्लियर, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 32 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, सारे स्टेटमेंट केयरफुली ही पढ़ने होते हैं, क्या उसमें लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, है ये अंडरस्टूड है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल फाउंड इन ओनली यूकेरियोटिक सेल, गलत बात हो गई, ये इनकरेक्ट हो गया, हाँ नॉन मेम्ब्रेनस तो थे ये ठीक बात थी। फिर कह रहा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल हेल्प इन द डिवीजन ऑफ एनिमल सेल, राइबोसोम जो है वो डिवीजन में कोई रोल प्ले नहीं सर, ये कह रहे हैं नॉन मेम्ब्रेन राइबोसोम, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट आप जो देख रहे हैं डिवीजन है में हेल्प करता है सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में, हां नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हेल्प इन द डिवीजन एनिमल सेल, तो ये बात कर रहा है सेंट्रियोल, हां सेंट्रियोल्स की, ठीक है, तो ये डेफिनेटली एस्ट्रल डिवीजन में होता है। फिर कह रहा है द शेप ऑफ द सेल्स मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स व्हिच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म, ऑब्वियस है साइटोप्लाज्म ही होगा। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो अगर हम देखें तो एक ही स्टेटमेंट गलत हुआ, ये फर्स्ट वन जो है वो गलत हो गया, तो 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स करेक्ट हो गए, तो 32 का आपके पास आंसर है फर्स्ट। क्लियर 33 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन से सही है, देखिए बच्चों पहला लिखा है लिपिड कंपोनेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फोग्लिसरिड्स, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा अपन सर क्या करेंगे अभी पढ़ लेते हैं फिर उसका थोड़ा सा मेम्ब्रेन का डिस्कस कर लेंगे एक सेपरेटली। तो देखिए फॉस्फोग्लिसरिड्स ही हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड हम कहते हैं मेन कंपोनेंट है एंड दैट इज द ग्लिसरिड डेरिवेटिव, तो डेफिनेटली फॉस्फोग्लिसरिड ही होगा। 3 टाइप ऑफ लिपिड्स आर देयर, फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरोल्स, जिसमें कोलेस्ट्रॉल हम पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी का सर जो डायग्राम है उसमें बिल्कुल बता रखा है कोलेस्ट्रॉल डिटरमिनेटिंग होगा क्योंकि अंदर की तरफ ही उसकी प्रेजेंस है। ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी की बात कर रहा है, ये एग्जैक्टली सर डेटा है जैसा 40% है 52% प्रोटीन
8% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन मेंशन किया नहीं इन्होंने। नहीं, मेन कंपोनेंट ये है, जैसे हम शुरू से ये बोलते आ रहे हैं कि मेन कंपोनेंट प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस भी होती है। उसके बाद कासी फ्लूइड नेचर ऑफ द प्रोटीन अनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ द लिपिड विद इन द ओवरऑल बाई लेयर। ये मुझे लग रहा है गलत बात है, प्रोटीन अनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ द लिपिड। तो देखो ये मतलब रोटेशनल मोमेंट एक हमें पढ़ना चाहिए, एक लैटरल मोमेंट भी पढ़ना चाहिए। आपको इसमें अलग से हम बात करेंगे, एक बार स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। इंप्रूव्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर निकोलसन। ये ठीक है स्टेटमेंट। तो हमारे पास देखिए इनकरेक्ट रेफरेंस तो यही हो गया सर, आंसर फाइनलाइज करें थर्ड। अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपको दिया है, जैसे किसी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये आप जानते हैं लिपिड बायलेयर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, लिपिड बायलेयर। एक आपको ये जो लिपिड्स हैं, इन लिपिड्स का मोमेंट, जैसे सर दो क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। एक तो फ्लिप फ्लॉप पूछता है, आप इधर मेंशन कर दें मेरे पास, फ्लिप फ्लॉप ये पूछता है, ठीक है। और एक मोज़ेक, मोज़ेक नेचर। तो मोज़ेक के रेफरेंस में हम जाएं तब तो हम ये कह सकते हैं पार्शियली या फिर कंप्लीटली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और ये जो प्रोटीन है वो एग्जिस्टेंस बनाते हैं। अब जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, और मैं कह सकता हूं कि इसमें जो दो लीफलेट है उसमें से इस लीफलेट से ये लीफलेट फ्लिप फ्लॉप, वो फ्लिप फ्लॉप है। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि जो लिपिड बायलेयर है उसमें प्रोटीन घूमता है या प्रोटीन कहीं मूवमेंट कर रहा है तो वो फ्लिप फ्लॉप है। और ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा, इवन अपने जो मॉड्यूल है उसमें जो प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है उसमें एक्सरसाइज में पहला ही ऐसा कोई क्वेश्चन है जो फ्लिप फ्लॉप का दे रखा है। तो ये हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक रोटेशनल, ठीक है, और ये जो सर अभी फ्लिप फ्लॉप कह रहे हैं ये होगा लैटरल। क्यों सर? बिल्कुल लैटरल मोमेंट। तो ये दो मोमेंट जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए, रोटेशनल और लैटरल। और जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो इस तरह से भी मूवमेंट कर सकते हैं, वो लिक्विड नेचर के होते हैं। बिल्कुल। तो ये क्वासी फ्लूइड लिखा है उसके लिए, वर्ड क्वासी फ्लूइड उसके लिए मेंशन कर रहा है, लेकिन क्वासी फ्लूइड लिपिड की वजह से है क्वासी फ्लूइड। बिल्कुल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ये कुछ बेसिक बातें यहाँ पूछी जाती है। इसके अलावा कई बार इसमें पूछ लिया जाता है, जैसे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये जो ट्रांसपोर्टर जितने सारे हम पढ़ते हैं, कैरियर हो चाहे चैनल हो, बेसिकली कैरियर और चैनल जो होता है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी होता है, क्योंकि एक्रोस लाएगा। एक एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट लिखा है वहीं मेम्ब्रेन में, और वो काम की बात भी है। सेल को मान लीजिए आपने किसी एक्वस मीडियम में रख दिया, तो उस एक्वस मीडियम से सेल के साइटोप्लाज्म को कौन सेपरेट करता है, तो उसके लिए आपका आंसर है ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर रिप्रेजेंट करता है। हेड तो आपको जानते हैं पता है पोलर रीजन है, और हाइड्रोफिलिक नेचर के। तो इस तरीके से मेम्ब्रेन को एक बार अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लें तो आपको थ्रू आउट इवन फिजियोलॉजी में, एनिमल फिजियोलॉजी में सर ट्रांसपोर्ट वगैरह में बहुत सारी बातें दे रखी हैं, जिसमें कैरियर और चैनल और एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, और उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे पंप्स और ये सब दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी मेम्ब्रेन, जो सेल जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि सेल अपना मतलब लिविंग एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए सब्सटेंसेस को इंटेक और जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिफरेंशिएट भी करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो डिफरेंशिएट करता है, सेल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको डिफर करता है या उसको डिस्टिंक्ट बनाए रखता है, तो आपका आंसर होना चाहिए आपस में कनेक्टिविटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। तो ये मेम्ब्रेन पर जब और क्वेश्चंस आएंगे तो हम कुछ और बात करेंगे, बाकी काफी सारी चीजें आपको मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें हेल्प करती है। तो देखिए पहला लिखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओनली वाटर, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, डेफिनेटली सारी सेल्स रिक्वायर करती हैं, इवन जो साइटोप्लाज्म में कंटेंट है उसमें आप कहते हैं 70-80% जो है वो ओवरऑल जो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट ये प्रेजेंट है, तो ओनली वाटर तो हम नहीं कह सकते, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट्स जो है वो भी सेल अपटेक करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर कह रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, देखिए प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी में मेम्ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं है। ऑस्मोरेगुलेशन, ये देखो सर अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे ऑस्मोरेगुलेशन, अल्टीमेटली हमने प्लांट सेल के केस में भी डिस्कस किया, और आप कहेंगे किसी भी सेल का जो सेलुलर कंटेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है अल्टीमेटली वो ही इंटेक और जो रिलीज है उसको डिटरमाइन करती है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर यहाँ हो जाएगा ऑस्मोरेगुलेशन जो है उसमें मेम्ब्रेन हेल्पफुल है। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉम्पोनेंट्स ए बी सी एंड डी सी डी ई इन द डायग्राम। तो ये जो कॉम्पोनेंट्स है ये मेंशन कर रखे हैं, इनमें सेल मेम्ब्रेन का देखो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सर, एनसीईआरटी में डायग्राम ये है। यहां सबसे पहले आपको दिया है सुगर, प्रोटीन, लिपिड बायलेयर, इंटीग्रल प्रोटीन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, ठीक है। साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के इनसाइड पोर्शन होगा, तो वो जो लेबलिंग है सर आप थोड़ा सा डिटेक्ट कर दे वहां,
जैसे मैं समझता हूँ ई जो दे रखा है, सबसे पहले हम अंदर से चले बेटा, ये यहाँ पर मेंशन किया था साइटोप्लाज्म, ये इनर साइड हो गया मेम्ब्रेन का, इनर साइड साइटो, ये हम कह सकते हैं ये साइटोप्लाज्मिक फेस है इसका, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक फेस मेम्ब्रेन का है, सॉरी सेल का, और ये जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फेस हो गया। उसके बाद में सर दे रखा है प्रोटीन्स, प्रोटीन तो ये देखो बी जो लेवल कर रखा है, ये वाला जो पोर्शन आपका, हाँ ये वाला, ये है बी, प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अब स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है कि सर आपने उसको कर दिया डी, भी तो प्रोटीन है, लेकिन देखो हमें लिख के दिया इंटीग्रल प्रोटीन, तो यहाँ डी जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन हो जाएगा, जैसा हम कह रहे थे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होंगे बेसिकली जो ट्रांसपोर्टर। उसके बाद दे रखा है साइटोप्लाज्म, ई साइटोप्लाज्म, फिर लिखा है सेल वॉल, सेल वॉल का कोई यहाँ मतलब नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसके ऑप्शन आप मैच कर लें, जो लेबलिंग आपको दे रखी है, अब सुगर ए, ये सुगर, ये ए सुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी, बी देखिए सर प्रोटीन, ठीक है, सी जो है वो आप लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर रहा, डी जो है वो आपके पास इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ई साइटोप्लाज्म, क्लियर। तो ये स्टूडेंट्स आपका था क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट, द सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन आर फैसिलिटेटेड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच आर, जो सेल है उसका एडहेसिव प्रॉपर्टी ये कह रहा है, जो कौन रिकॉग्निशन एडेंशन, तो ऑब्वियस है ये रिकॉग्नाइजेशन और एडेंशन प्रॉपर्टी आपसे कहना चाह रहा है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो सर, तो जो एडेसिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो होती है ड्यू टू द ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स, जो उसमें कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर होते हैं वो ही एडेशन में हेल्प करते हैं और इवन रिकॉग्निशन करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर कोई मॉलिक्यूल हुआ या फॉरेन मॉलिक्यूल कोई आया तो सबसे पहले डिटेक्शन का जो काम है वो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन ही करते हैं। तो आपके पास 36 का आंसर हो गया यहाँ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल लैमेला। देखिए मिडिल लैमेला जो है ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं मिडिल लैमेला प्रेजेंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ होता है मिडिल लैमेला, और इसके दोनों तरफ जैसे मैं ये सेल डिजाइन करूं, ये कोई सेल ए आप मान लीजिए, ये सेल बी है, तो ये जो पोर्शन है ये मिडिल लैमेला है, क्लियर, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ है। वो कह रहा है इनकरेक्ट, आपको मिडिल लैमेला के बारे में पता करना है, इट होल्ड्स द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, डेफिनेटली सर सीमेंट लेयर कहते हैं आप इसको, प्लांट सीमेंट, हाँ प्लांट सीमेंट एग्जैक्टली कह रहे हैं, और ये दोनों जो सेल्स हैं उनके लिए एडहेसिव होल्ड करके रखता है। फिर कह रहा है इट इज कंपोनेंट कंपोज्ड ऑफ द मैग्नीशियम पैक्टेट ओनली, ठीक है, मैग्नीशियम पैक्टेट बेसिकली इसका लगा दिया इसने, हाँ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, मेनली कैल्शियम पैक्टेट, मेनली कैल्शियम पैक्टेट ही होता है, और ये मैग्नीशियम वैसे तो सही था लेकिन जैसा सर ने डिटेक्ट किया कि ओनली लिखते ही हमारे पास क्या हो गया इनकरेक्ट। It gets dissolved during the ripening of fruits, definitely. मतलब fruit ripening में इतना important इसका functioning है, आप ये कह सकते हैं कि middle lamella dissolve हो जाते हैं, तभी तो जब ये soft होता है, हम खाते हैं fruits को, तो ये जो ripening process है उसमें middle lamella dissolve हो जाता है, फिर आपको लिख के दिया है none of these. तो definitely हम answer कहाँ से कह सकते हैं, जो only लिखा है उसके बिहाफ में incorrect reference. और ये जो sir third जो statement है, biotic से भी connect है, वहाँ पर भी दे रखा है, जो post harvest losses हैं, उनको reduce करते हैं, तो उसमें यही है कॉन्सेप्ट, पूरा मॉलिक्यूलर लेवल पे बताया जाएगा, जो पीजीयू एंजाइम होता है, हाँ, वो मिडिल लेवल पे अटैक करता है, इसको डिसॉल्व करता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाता है, इवन वो है सर मैच्यूरेशन में दे रखा है, फिजियोलॉजी में काफी अच्छी जो है उनकी दे रखी है, जो ग्रोथ हॉर्मोन्स और सब दे रखे हैं वहां भी इंपॉर्टेंटली इसको डिस्कस किया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 हुआ। नेक्स्ट सर्चो, सेल वॉल शो कंप्लीट परमिएबिलिटी, बिल्कुल परमिएबल होती है, सेमी परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन का करेक्टर है, डिफरेंशियल परमिएबल, देखो अब ये थोड़ा सा एक रहता है, एक तो सेमी परमिएबल अगर लिखा है ना, तो सेमी परमिएबल में वो ऑलवेज सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ही डिफर कर रहा है, मतलब वो जो मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को अलाउ कर देती है और सॉल्यूट को रोक लेती है, डिफरेंशियल परमिएबल कह रहा है या फिर सेलेक्टिव कह रहे सेलेक्टिव, तो उसमें वो कहेगा सम स्पेसिफिक सॉल्यूट्स आर अलाउड, बिल्कुल कुछ विशिष्ट प्रकार के जो सॉल्यूट या विलेय पदार्थ हैं उनको क्या किया जाता है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है विभेदात्मक सेलेक्टिव के बजाय डिफरेंशियल भी लिख देता है, तो आप इस पे ध्यान दें, जो डिफ्यूजन दे रखा है फिजियोलॉजी में वहां भी मेंशन ये किया गया है, और एक कह रहा है इम्परमीबिलिटी, तो इम्परमीबिलिटी तो देखिए बेसिकली जो स्पेसिफिक वैक्स टाइप सब्सटेंसेस हैं कंडीशनल होते हैं, कंडीशनल होते हैं, डिपोजिशन जैसे हो जाता है वॉल पे हो गया, आप एंडो जो सॉरी जो इनर लेयर है कॉर्टेक्स की, कैस्पियन स्ट्रिप्स जो आप पढ़ते हैं एंडोडर्मिस में जो पढ़ते हैं रूट्स में, तो वहां पर इम्परमीबिलिटी आ जाती है सुगरिन डिपोजिशन के कारण, तो ये बच्चों आपके पास बाकी सेल वॉल का नेचर ही परमीबिलिटी है, तो आप कह सकते हैं कंप्लीट परमीएबल वो होती है। नेक्स्ट, द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, अब किसकी बात कर रहा है, यहां देखो दो बातें हैं, आपको दे दिया साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा होगा, एनिमल सेल की बात करें तो जो गैप जंक्शन है
ये सर एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि प्लाज्मा डेस्मेटा का जो सिमिलर स्ट्रक्चर है एनिमल सेल्स में वो क्या होगा। तो देखो यहाँ थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं अपन। ये हमारे पास एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अब ये ड्रॉ मैं इससे नहीं कर पाऊंगा ऐसे, या फिर इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं जिससे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। मुझे बीच में से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये और ये, जहां प्लाज्मोडेस्मेटा होता है दैट ऑलवेज लैक, क्या लैक करेगा, ये मिडिल लैमेला। देखो ये मिडिल लैमेला प्रेजेंट है इन बिटवीन टू प्लांट सेल्स, ये ए सेल, ये बी सेल, ये जो मैंने बनाया है वो सेल वॉल है। तो सेल ए का सेल वॉल, फिर मिडिल लैमेला, सेल बी का सेल वॉल। जहां प्लाज्मोडेस्मेटा है सर, आप देखिए यहां एग्जैक्टली हम कह रहे हैं कि प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल एब्सेंट होती है, बिल्कुल। और ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी जो है वो दोनों सेल्स के बीच एस्टैब्लिश, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एक तरीके से ये एस्टैब्लिश करता है। ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है, एक एनाटॉमी का बहुत अच्छा कंसेप्ट इससे बनता है बच्चों को, क्या थोड़ा सीखने की अगर आप में हो तो बहुत अच्छा आप सीख सकते हैं। पहले सेल प्राइमरी सेल वॉल को रखता था, अब प्राइमरी सेल वॉल के बाद अंदर की तरफ सेकेंडरी डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे डिफरेंशिएशन बढ़ा, या फिर आप कह सकते हैं लिग्निफिकेशन बढ़ा, वैसे वैसे पैरेन्काइमा से कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा बनते चले गए। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब अल्टीमेटली ये सेल जो है वो थिकंड हो जाएगी और पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म को डिवोल्ट कर देगी और ये लिग्निफिकेशन हो जाएगा, तो सेल डेड हो जाएगी। उस टाइम देखिए क्या ये प्लाज्मोडेस्मेटा एग्जिस्ट करेंगे, तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा एक फर्दर पिट्स के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। क्योंकि पिट क्या है, जो सेल वॉल था उस सेल वॉल पे डिपोजिशन ही तो है एग्जैक्टली लिग्निन का, तो डिपोजिट तो वहां होगा ना जहां कोई बेसिस हो पहले से। प्लाज्मोडेस्मेटा वो जगह है जहां बेसिस ही नहीं था, तो इसलिए यहां डिपोजिशन आ जाएगा। तो एक सर ये पूछा जाता है कई बार ये पिट का, और जो है ना वो बच्चों को बड़ा दिक्कत एक रहती है। एक इस प्लाज्मोडेस्मेटा से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, वो अपने ग्रोथ फिजियोलॉजी में दे रखा है। ग्रोथ फिजियोलॉजी में वो लिखा है फेजेज ऑफ द ग्रोथ, उसमें मेरिस्टमेटिक सेल्स में मेंशन करके लिखा है अबंडेंस ऑफ द प्लाज्मोडेस्मेटा। जबकि जनरली हम क्या मानते हैं, हमारे दिमाग में फिट रहता है ये मेरिस्टमेटिक रीजन है, सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा उसमें होगा कि नहीं होगा, आप ध्यान रखें अबंडेंटली प्रेजेंस है, और ग्रोथ फिजियोलॉजी के चैप्टर में ये मेंशन कर रखा है। पर आई थिंक वो होना भी चाहिए क्योंकि तो कॉम्पैक्ट है, हां सेलुलर स्पेस एब्सेंट है, हां तो डेफिनेटली फिर सेल कनेक्ट कैसे करेंगे। हाँ वो थोड़ा सा आप देखें, अब सेल बायोलॉजी का रेफरेंस अपन उसमें पुट कर दें, सेल जब डिवीजन करेगी तब अपने आपको प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्टिविटी से आइसोलेट कर लेगी या ब्रेक कर लेगी, दो सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्टिविटी तब नहीं रह सकती। तो ये थोड़ा देखने की बात है। तो डेफिनेटली जो दो पादप कोशिकाओं के मध्य संपर्क बनाए रखता है वो क्या है, आप कहेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। और एनिमल सेल्स के लिए यही आपको या इसका सिमिलर स्ट्रक्चर आपसे पूछता है, तो हम कहते हैं गैप जंक्शन। और वो ट्रांसपोर्ट में भी सर, जो सिम्प्लास्ट और जो एपोप्लास्ट है उसमें भी इंपॉर्टेंट है, भी ये जो लिविंग है वो कनेक्शन है, तो ये आपका सिम्प्लास्ट सिम्प्लास्ट है। नहीं आपको सर अगर देखें, बच्चे को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, आप कह रहे हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इसका मतलब लिविंग ट्रैक को यूज कर रहा है, तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, हम जहां तक हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं और आप भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट 40, एल्गल सेल वॉल मेड ऑफ ऑल एक्सेप्ट। देखो सेलुलोजिक सेल वॉल की प्रेजेंस है, ग्लेक्टांस और मेनांस आपको दे रखा है, हेमी सेलुलोज वहां नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है। एल्गल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ग्लेक्टांस, मेनांस एंड सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया इंफॉर्मेटिव रेफरेंस रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 41, सेल वॉल फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, ठीक है, सेल वॉल फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ किसकी, ओनली फंजाई, सिर्फ फंजाई नहीं थोड़ी ना होती है, ओनली फंजाई एंड प्लांट्स, ये तो ठीक बात है दोनों में डोमिनेंटली प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा देखो हम शुरू से सर बात कर रहे थे प्रोटिस्ट जो है कुछ एक वो भी होल्ड करते हैं, मोनेरा में भी प्रेजेंट होती है, फिर कह रहे थे इन फंजाई प्लांट्स एंड बैक्टीरिया बढ़ा दिया लेकिन अभी भी प्रोटिस्टा को रख रहा है, इसमें एनिमल्स रख दिया तो इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो हमारे पास इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो हुआ वो क्या हुआ, कोशिका व्यक्ति किसी किसकी प्लाज्मा झिल्ली का बाह्य आवरण बनाती है, फंजाई में भी बना रही है, राइलिन की है, प्लांट्स में बना रही है, सेलुलोज की है, और बैक्टीरिया बना रही है, पेप्टिडोग्लाइकन की है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहां हो जाएगा थर्ड, क्लियर। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन 41, 42, द प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ, देखिए मेन कॉम्पोनेंट सेलुलोज, सिंपल, जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल और प्रोकैरियोट्स के लिए आपने कहा कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, फंजाई में आपने कहा काइटिन है, वैसे ही प्लांट्स में आप कह सकते हैं सेलुलोज मेन कंपोनेंट है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन 42। तो आज का हमारा जो गुरु नीति का फर्स्ट एपिसोड था सेल बायोलॉजी का, उसमें हम लोगों ने आपके साथ
कोशिश की है अच्छे से अच्छा कंसेप्ट लॉजिक रेफरेंस और इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट करने की, और इसके बाद अब हम सीक्वेंस में चलेंगे। पहले इंट्रोडक्शन सेल थ्योरी और सेल का रहा, अब उसके बाद में सेल ऑर्गेनल्स और उसके बाद में सेल साइकिल। हमने भी इसको काफी एंजॉय किया और मुझे लगता है कि बच्चों ने भी एंजॉय किया होगा सर। और इसमें जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे ना तो उनको भी अपन इंटरलिंक करेंगे, जैसे कुछ आगे जो ऑर्गेनल्स वगैरह स्टडी करेंगे तो बाकी के जो बैक पोर्शन है उनके भी स्टेटमेंट वापस से रिफ्रेश करवाएंगे। हाँ, डेफिनेटली हमारा प्रयास मतलब ये रहेगा, हम मिलकर ये प्रयास करेंगे कि कोई भी बात ऐसी नहीं हो जो आप नहीं कर सकें आपके अप्रोच में। बिल्कुल सर, और हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना आए बेटा। हाँ बिल्कुल, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे और कोई क्वेश्चन इससे बाहर ना आए, और आप भी थोड़ा सा इसको फिर 100% फोकस करना। क्लियर? सो एंजॉय द सेल बायोलॉजी। थैंक यू।